नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारी ये BSc थर्ड सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हमारा एल्जेब्रा चल रहा। ठीक है, एल्जेब्रे में आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप। तो ग्रुप में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेमी ग्रुप की। तो समझ लीजिए सेमी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है समझ लीजिए। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, तो वो क्या कहलाएगी? सेमी ग्रुप कहलाएगी यदि बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव हो जाए। एसोसिएटिव यानी कि सहचर्य नियम का पालन कर दे स्टार के लिए, इन किसके अंदर? जी के अंदर, दैट इज। ठीक है, तो सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ये होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यदि कोई सेट जी विद रेस्पेक्ट टू स्टार एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह सेट क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, सेमी ग्रुप कहलाता है। वह सेट क्या कहलाता है हमारा? सेमी ग्रुप कहलाता है। भाई स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जरा एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझ लीजिए। भाई मान लिया कोई एग्जांपल को हमें देखना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर with respect to operation, with respect to the operation, to the operation addition, a semi group। ठीक है, समझिए, जरा ध्यान दीजिए। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन ए सेमी ग्रुप। क्या नेचुरल नंबर का सेट किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है या नहीं है? ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। भाई नेचुरल नंबर का सेट है, स्टार की जगह क्या ले लिया हमने यहाँ पे? एडिशन। इसको चेक करना, ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सेमी ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट तुम्हें मालूम ही होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता भी दिया सब कई। ठीक है, सेटों के बारे में बता भी दिया, 1 2 3, ये कोई सेट किनका है? नेचुरल नंबर का कोई हमारे पास ये सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर से तीन एलिमेंट ले लीजिए ए बी और सी। ठीक है, लेट सपोज हमने ए एलिमेंट किसका ले लिया? एन का, या ए बी सी कह दीजिए, एक साथ ले लीजिए। ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो वी हैव, ठीक है, या वी नो दैट, या वी हैव ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, स्टार की जगह कौन है? प्लस, बराबर ए प्लस बी प्लस सी। हमेशा देखिए ए बी कोई भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट ले लीजिए और उनमें यहाँ रख दीजिए उन तीनों नंबर को। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल, सभी के लिए। ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को, ये बात हम जानते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया वी हैव या वी नो दैट लिख देंगे। तीन एलिमेंट कोई से भी लीजिए, चलिए मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिए, सपोज पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, वैसे पर्टिकुलर एग्जांपल लेना नहीं, तो मैं ए बी सी लेके दिखाते हैं इसको। यदि कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लू भी मैं, भाई दो ले लिया, तीन ले लिया और एक ले लिया पाँच। ठीक है, तो ए का मान मैंने दो ले लिया, बी का तीन ले लिया, पाँच ले लिया। ठीक है, तो ये बताइए 2 + 3 + 5 बराबर 2 + 3 + 5 बराबर होंगे या नहीं होंगे? बराबर होंगे। 3 और 2 5 और 5 और 5 10,
पाँच और तीन आठ और दो दस, हमेशा कैसे आएंगे ये बराबर होंगे। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, सेमी ग्रुप है या नहीं है, तो है सेमी ग्रुप है, तो यहाँ पे इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो कह सकते हैं हैंस हैंस कैपिटल एन इज ए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप है ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो भी सेट स्टार की जगह कुछ भी दे देगा अंडर एडिशन, ठीक है, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या जो भी देगा, तो पूछ लेगा कि वो सेट सेमी ग्रुप है या नहीं है, तो वह सेट सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा तो कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। यदि नहीं कर रहा तब हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे नहीं करता हो, भाई सेटिस्फाई करेगा तो सभी से करेगा, ए बी सी कुछ भी एलिमेंट लेना नेचुरल नंबर के, सभी से ही सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को, कौन सी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य नियम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए एन कैसा है यहाँ पे, सेमी ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, यदि हमने माइनस ले लिया, ठीक है, ए सेमी ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या नेचुरल नंबर का सेट किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन बोल देते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लिख देते हैं या अंडर बोल देते हैं। तो इस माइनस के लिए नेचुरल नंबर का सेट हमारा सेमी ग्रुप है या नहीं है, ये हमें चेक करना, ठीक है। तो चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए, चलिए भैया इसका तुम सॉल्यूशन देखिए, यदि नहीं है तो कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता देते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। चलिए हमने इसमें लिख दिया नाउ, या ए डी सी का मान कुछ मान सकते हैं, ठीक है, तो लेट ए बराबर टू ले लिया, बी बराबर चलिए फाइव ले लिया, और सी बराबर कुछ ले लिया, ठीक है, सी बराबर कुछ भी ले लीजिए, चलिए एट ले लिया, आर द एलिमेंट्स, आर द एलिमेंट्स ऑफ किसके हैं ये, एन के, ठीक है, या वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे कैसे लिख सकते हैं, लेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट टू थ्री फाइव बिलोंग करते हैं, फाइव ले लो, कुछ भी ले लो, कोई से भी तीन नंबर ले लीजिए, बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। नाउ पहले ये वैल्यू निकालिए, टू माइनस थ्री माइनस सी का मान कितना है, भाई ये ए का मान है, बी का है और ये सी का है, इसका वैल्यू कितनी, फाइव, पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ये वैल्यू निकालते हैं, पहले सोल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस वन और ये माइनस फाइव, कितना आएगा ये, माइनस के सिक्स आएगा। अब इधर वाली वैल्यू निकालिए, ब्रैकेट बाद वाले दोनों पे ले जाइए, एंड किसका मान निकालिए, बोलिए टू माइनस थ्री माइनस फाइव का मान निकालिए, ठीक है, टू माइनस इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के टू आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टू प्लस टू, टू प्लस टू कितना आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, ओ टू, तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा भैया, ये फोर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बताइए इसके बराबर है या नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये छः के माइनस छः के बराबर आ रही है और ये किसके बराबर आ रही है, चार के बराबर, हेयर हेयर टू माइनस थ्री माइनस फाइव बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, अभी ये टू माइनस
थ्री माइनस फाइव के बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो लिख देंगे हैंस हैंस एम, ठीक है। पहले तो एम क्या था वहाँ पे, सेमी ग्रुप था आपके में, हैंस एन इज नोट ए सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे, ए इंटू बी इंटू सी करेंगे, ठीक है, बराबर ए इंटू बी सी करेंगे तो वो बराबर ही आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर का सेट कैसा है, ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। और भी सेट ले सकते हैं, कुछ भी सेट ले सकते हैं। इंटीजर्स का सेट के लिए चेक कर सकते हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, सेकंड एग्जांपल को भी, इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रुप की, ठीक है। इसको नोट करिए, इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए भैया जल्दी से नोट करो इसको और ग्रुप की डेफिनेशन देखिए। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन देखिए। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ इट इज सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यदि ये सेटिस्फाई करता है इन फॉलोइंग प्रॉपर्टी को, ठीक है। नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, एक कोई नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी यानी कि खाली ना हो, सेट खाली नहीं होना चाहिए, कोई सेट क्या है जी, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यदि ये सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टी को। नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो स्टार की जगह वहाँ कुछ भी दे सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन या अदर कुछ भी देगा, ठीक है। तो ये हम डेफिनेशन किसके लिए लिख रहे, स्टार के लिए लिख रहे। तो ए स्टार बी किस में मिलना चाहिए, जी में मिलना चाहिए फॉर ऑल, ए बी कुछ भी ले लीजिए जी से, ए स्टार भी किस में जाना चाहिए, जी में, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले बताई मैंने सेमी ग्रुप में आपको, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ब्रैकेट स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, जी को, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अभी तो ब्रैकेट किन पे, पहले दो पे, फिर इस वाले में किस पे आ जाएगा, लास्ट वाले टू पे। यदि ये इसके बराबर है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझिए, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, ई किसके अंदर आ जाए, जी के अंदर, सच दैट ए स्टार ई बराबर ए के आना चाहिए और बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल सभी के लिए, ए बिलोंग करता हो किसको, जी को। एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जी के अंदर, ठीक है, ए स्टार ई बराबर किसके आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, या क्या कर लीजिए, ई स्टार ए कर लीजिए फॉर ऑल सभी के लिए। ए जी का एलिमेंट है, यानी कि जी का एलिमेंट कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, ई के साथ ऑपरेशन लगाने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, वो ए के बराबर आना चाहिए, क्वेश्चंस में बताऊंगा अभी, इसमें भी बताऊंगा। तो ये दी एलिमेंट ही क्या कहलाता है, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, दी एलिमेंट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। नंबर फोर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट
ए बिलोंग करता है किसको, जी को, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जी के अंदर सच दैट, ऐसा कि ए क्रॉस बी बराबर किसके आ जाए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा ई, और बराबर बी स्टार ए, दी एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो बी क्या कहलाएगा हमारा, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, अभी ज़रा समझ लीजिए, ठीक है, ये डेफिनेशन को, जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। सपोज हमने कोई एक सेट ले लिया, सेट ले लिया जेड, सेट क्या ले लिया जेड, और जेड क्या होता है हमारा, जेड क्या होता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1, -2, -3 सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। ये देखिए ये सेट को हमें देखना अंडर एडिशन, अंडर एडिशन देखना ये ग्रुप है या नहीं है, यदि ये ग्रुप है, यदि ये ग्रुप है तो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कोई सेट इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अंडर स्टार कहा था मैंने वहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवाइड भी दे सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस सेट को अंडर एडिशन ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले ये सेट ग्रुप कहलाएगा यदि ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है दो एलिमेंटों में, ठीक है, यानी कि ए स्टार बी किस में मिलना चाहिए, जी में, फॉर ऑल सभी के लिए ए बी बिलोंग करते हो किसको, जी को। ए बी कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, स्टार की जगह एडिशन आ गया, इसमें से दो एलिमेंट पकड़िए, उनको जोड़िए, वो एलिमेंट यदि उसी के अंदर है, ए स्टार बी जी में ही जाना चाहिए, जी की जगह कौन आ गया यहाँ पे, जेड आ गया। इसमें से दो एलिमेंट कोई सी भी पकड़िए, जैसे मैंने मान लिया 3 लिया और कितना लिया, 2 लिया, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 बताइए इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5 इसी के अंदर मिलेगा, आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है, तो 5 इसी के अंदर मिलेगा, तो 5 भी बिलोंग कर गया किसको, जेड को, तो इसीलिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ये, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ये, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए समझ में आ गई, हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्टार बी किस में मिलना चाहिए, जी में, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा, दो एलिमेंट इसके कोई भी लीजिए, जैसे सपोज मैंने अभी ये 2 ले लिया और एक -2 ले लिया, उन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 भी इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है, 2 ले लिया या -1 ले लिया, 2 -1 लेंगे, उनको जोड़ेंगे, 2 को और -1 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1, वो भी जेड के अंदर मिलेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है दो एलिमेंट इसके लें और उन्हें जोड़ें इसमें ना मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एलिमेंट हमेशा इसी में ही मिलेंगे, तो इसीलिए ये वाला सेट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज ये होती है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें इस सेट के लिए यदि हम देखें, ठीक है, अंडर एडिशन इस सेट के लिए, तो 3 एलिमेंट कोई से भी इसके पकड़ के इनमें रख के देखिए, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो वह भी हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सेट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन किसको सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ई ऐसा एलिमेंट मिल जाए किसी भी एलिमेंट में, स्टार, स्टार की जगह हमने क्या लिया है, प्लस लिया, तो ए में ऐसा क्या जोड़ें जो उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट अंडर एडिशन
जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है ज़ीरो। भाई किसी भी एलिमेंट में हम जीरो जोड़ते हैं, भाई हमने एक ही जगह दो ले लिया, एक ही जगह कितना लिया दो, आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हें मालूम है जीरो होता है, दो में ऐसा क्या जोड़ें कि दो के बराबर आए, दो में ऐसा जीरो जोड़ेंगे या जीरो में ऐसा दो जोड़ेंगे कि वह किसके बराबर आ जाएगा, दो के बराबर आ जाएगा। तो वह एलिमेंट ई एलिमेंट, ई की जगह कौन लिया मैंने जीरो, तो वह एलिमेंट क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसको नोट करके याद रखेंगे, वो क्या होता है जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और वह है एलिमेंट ही क्या कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है अंडर एडिशन, जीरो है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ध्यान देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ए किसी कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने जी का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जी के अंदर, ए स्टार बी करें, स्टार का मतलब हमने यहाँ पे एडिशन लिया, और बराबर किसके आ जाए आइडेंटिटी के। जैसे हम दो की बात करें, दो में ऐसा क्या जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, दो में ऐसा माइनस दो जोड़ेंगे कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, या बराबर माइनस दो प्लस दो करेंगे तो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स कहलाएगा। कोई तुमसे ये पूछे कि भाई पाँच का एडिटिव इन्वर्स बताओ, पाँच में ऐसा क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए, पाँच में ऐसा क्या जोड़ेंगे, माइनस पाँच जोड़ेंगे। कोई तुमसे कहेगा भैया हिंदी में कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, हिंदी में क्या कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। कोई तुमसे कहे भैया पाँच का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो पाँच का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है माइनस पाँच, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव इन्वर्स ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव। कोई तुमसे पूछने लगा कि माइनस फाइव का ही योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि ठीक है योगात्मक प्रतिलोम क्या, ठीक है इसमें ऐसा क्या जोड़ें, इसमें ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, तो माइनस पाँच का क्या आएगा, पाँच आएगा, बराबर किसके आ जाएगा जीरो के। तो माइनस पाँच का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, एडिटिव इन्वर्स कितना होता है, पाँच होता है, ठीक है। चलिए तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में, तो इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा इसमें, क्योंकि भैया मैंने तीन लिया, कोई एलिमेंट कितना लिया तीन, तीन में ऐसा क्या जोड़ा कि आइडेंटिटी माइनस तीन मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा। मतलब इसका कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, ठीक है, और उसके माइनस का पकड़ के जीरो के बराबर आएगा। तो ये सेट ऐसा है कि ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये वाला सेट हमारा क्या है, ये ग्रुप है। कभी कराऊंगा इसको, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको सभी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, चारों प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेंगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा यदि, ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में और अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें नोट करके ये नीचे भी लिख लीजिए, चलिए नोट करके, जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, नोट, ये तो डेफिनेशन, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, डिफाइन द ग्रुप, ग्रुप को डिफाइन कीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख देंगे, डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। चलिए भी नोट करके लिखिए, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी कि वह एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में जोड़ें उसी के बराबर आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स किसी भी एलिमेंट का, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बराबर कितना होता है, माइनस ए, एक एडिटिव इन्वर्स कितना होता है, माइनस ए। और यदि बात करी जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी
एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट में ऐसे किससे गुना करें, किससे गुना करें कि उसी के बराबर आ जाए। भाई मान ले दो है, दो में ऐसे किससे गुना करूं कि दो के ही बराबर आ जाए, तो दो में ऐसे एक से गुना करूं तो दो के ही बराबर आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसके बराबर होता है, वो वन के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, नोट फर्स्ट या इसको कह दीजिए, सेकंड कह दीजिए, थर्ड पॉइंट कह दीजिए चलिए इसको। और अब देखिए फोर, फोर में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, ए का, किसके बराबर होता है, वन अपॉन ए के बराबर होता है वो, या ए इनवर्स कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। कोई तुमसे कहे कि पाँच का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे पाँच, पाँच का योगात्मक प्रतिलोम माइनस पाँच। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी ग्रुप की डेफिनेशन हो गई, इसको नीचे ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए इसके जो क्वेश्चंस कराएंगे वो नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।